आज रात को मैं आपको प्रार्थना यीशु और पवित्र आत्मा तीनों के संबंध को बताने बताने का और साथ साथ उसका अनुभव करने का प्रयास कर रहा हूँ प्रार्थना यीशु ये पवित्र आत्मा या तीन विषय में अनुभव ने विषय में तुम्हारे बोला मघी अद्भुत तरीके से प्रभु के दासों के द्वारा शाम को हमने वचन सुना अमाही अद्भुत रीत के देवा वचन देवाचना दासा द्वारा वचन बनाई पास्टर शिंदे के द्वारा सुना परमेश्वर ने हमको पर्वत पर बुलाया ताकि वो हमारे साथ समय बिता सके परमेश्वर महल या पहाड़ में हद जे को नारी बोल जाए

मा का आई जो गुठी तुल दिखा रही जो गुठी तू उगुठी तू ध्यान दे छे इुठी हमें उनाई है सब लोग यहीं पर है पर आपके पास में जो बैठे उनको बोलिए मैं आपको सोने नहीं दूंगा बोलिए तुम्हें पड़ोसी तुम्हें क्या कहा तुले हुआ तो नहीं दिखीदा हाँ हम हाँ मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं का मेन प्रार्थना मैंने मुख्य आयोजक से पूछा कितने बजे तक मीटिंग तो उन्होंने बोला बस एक बजे तक चलेगी मीटिंग जब मेन आयोजक के में चालू फुक्त तो एक बजे चले लेकिन आपको देखकर लग रहा है ये चार बजे तक चलेगी मीटिंग ऐसा लग रहा है

और ये दोस्ती न केवल क्रूस तक लेकिन उसके आगे भी चाहेगी अपन मिलकर देखने जा रहा ई जी मित्रपुना है, ना है पर त्या अगला भी ये संदेश नहीं है ये भाषण नहीं है ये प्रार्थना का विषय आज रात को बनने जा रहा है भाषण संदेश ना है परंतु तो हमें प्रार्थना विषय है अगर ये शिव के साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ भी होना चाहिए ये प्रार्थना आज रात को अपन यहाँ पर करने जा रहे हैं ईश्वरी जया तो भी इमारी प्रार्थना को न गोर क्योंकि लिखा है जैसा ये वैसा मैं और आप पृथ्वी पर भी है ये जय कहते कि तुमान अमावी ये तो बपतिस्मे में जब पानी से बाहर आया कबूतर के नाई पवित्र आत्मा उसके पर उतर गए जो ये पाए मने तो बारे इनो पवित्र आत्मा कबूतर ने समान ये ना। चार अध्याय के अंदर आप आते हैं यानी चार अध्याय में इसे लुका उसकी पहली आयत में लिखा है पहला वचन लिखा है पवित्र आत्मा ने यीशु के हाथ को पकड़ा हुआ है पवित्र आत्मा यीशु अथल दो उस पकड़े हुए हाथ को लेकर यीशु को जंगल के अंदर पवित्र आत्मा लेकर जा रहा है पवित्र आत्मा मानो यीशु अथल जंगल में लिखा है किसी बड़े क्रूसेड में नहीं किसी बड़े कॉन्फ्रेंस में नहीं किसी बड़े वर्शिप कॉन्फ्रेंस में नहीं जंगल के अंदर अकेले बाइबल स्कूल में उसको लेकर जा रहा है योग्य मोटी मीटिंग में ना योगदा सेमिनार में ना योगद्य आराधना सभा में नाई परंतु एक जंगल में पवित्र आत्मा ली जाए क्या यीशु को तैयारी की जरूरत थी ये तैयारी में गरज आती नहीं वो परमेश्वर था नहीं तो तो देव परमेश्वर लेकिन हाँ वो मनुष्य था इसलिए उसे तैयार होना जरूरी हाँ पर तो 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 मनुष्य भी गरज आती और पवित्र आत्मा ने यीशु के हाथ को पकड़ा पवित्र आत्मा ये थल दो चालीस दिन अकेले वो दोनों जंगल में रहे चालीस दी हुई में जंगल में रोई लगा लिखा है नवा निराहार रहा ऐसा लिखा है तो जेवना रोटली शिवाय रोयो निराहार रहा खाई ना शिवाय रोयी तो इस मीटिंग की खासियत है यहाँ पर आहार है ही नहीं इसलिए बहुत अच्छी बात है नहीं, नहीं धन्यवाद दे फिर भी अगर आप केला और पार्ले जी लाए तो कोई बात नहीं तेरी भी मेरी केले ने पार्ले बिजकट नहीं आप पूछेंगे आपको कैसे मालूम पड़ा मैं भी कभी लाया करता था <laughs> तुम्हारा तुम कह के, के मालूम का पार्ले ने केड़े ही रोते हैं कोई मिली लौट कर आते हैं ये सुखो पवित्र आत्मा जंगल में सिखाने के लिए ले गया पवित्र आत्मा पवित्रात्मा जंगल में ही कड़ाटी लिखुआ लिखा हुआ है अंता है चार के चौदह में लिखा है चार ने चौदह में लिखला है जब ट्रेनिंग पूरी हो गयी जो द्वारा सिर के ऊपर पैर के नीचे दबा दिया गया पागा को इतनी सुंद देना माथा वो वचन के द्वारा वचन द्वारा उसको एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार उसको दबा दिया गया एक परंतु तीन नई सुन दिया चंदियों वचन से भरपूर हो गया वचन थी भरपूर जायो अभिषेक से भर गया अभिषेका अभी जंगल में रहने का टाइम नहीं है अब बाजार में निकल कर शहरों में निकल कर सुसमाचार के भेद को जैसे बोलने का समय आ गया है लेकिन सामर्थ पाने के बाद जाने का भी एक समय है पारे पारे जाए ना समय भी रोए अभिषेक कुर्सियों बैठाने के लिए नहीं मिलता है अभिषेक बाजार में निकालने के लिए लोगों को प्रभु देना चाहता अभिषेक को कुर्सी वही है परंतु बाजार में पब्लिक में

चरमावलियों को मंगवाया और उसको उसने खोला, एक कर उसने खोला से पहली बार पढ़ा आत्मा मुझ पर है कि मैं गरीबों को सुसमाचार सुनाऊ और बंदियों को छुटकारे का संदेश सुनाऊा जी पत्र, पत्र आते और सबकी आंखें उसके ऊपर लगी थी ऐसा लिखा है, है बाद नजर त्या से आती उसने सीधा वो खोला और पढ़ा पड़ा अन्य खोलिया वो बीमा पर वो उस प्रचार करने की कुर्सी पर जाकर बैठ गया जी ठिकानी त्या प्रचार को ना जी खुशी है त्यास तो जनवु अगर आपको उनकी पृष्ठभूमि नहीं मालूम तो आपको लगेगा आप मीटिंग खत्म हो गई इसलिए जाके बैठ गया तुम्हारे के लागे है क कदाचित यह अवश्य में नहीं मालूम होरी तो वचन संदेश परोया है प्रचार क्या प्रचारक या गायक या आराधक जो अपना काम खत्म होने के बाद जाके बैठ जाता है वैसे बैठ गए ऐसे आपको लगेगा वहां लिखा हुआ है तुमल कदा से के लागी का जे गीत अखनेरोन प्रचार करने और संदेश परोया या तो काम पर तो जैन है लेक, लेकिन जिसने वचन पढ़ा था जब वो उस कुर्सी पर बैठता है तो लोगों की आंखें उसकी ओर लगती है क्योंकि उनको मालूम है कुछ अभी ऊपर से संदेश आने जा रहा है समय तो वचन वाचन उपदेश देना जगह उठो क्या टेमर लगेगा अभी तरी ओनर है और उसने वहां पर उस संदेश का विश्लेषण दिया अनित संदेश स्पष्टीकरण देना उस नासरत की उस मंडली के अंदर खलबली मच गई अनित नासरत ने मंडली ने अंदर एक उथल पथल जाई कुछ लोगों को समझ में आने लग गया ये अपने आप के बारे में बात कर रहा है

शुरुआत में यीशु ने पवित्र आत्मा हारी है और उसके बाद वो वचन का प्रचार करता ही नहीं बाजारों में शहर में गलियों में खुद में जाकर उस वचन को पूरा करने लगा ऐसा लिखा तो वचन द्वारा गली शहर अंदर वचन तो घोषणा लगे और इसलिए के काम दस के अड़तीस में लिखा है और तो में निकला है और यशु पवित्र आत्मा से भरपूर होकर बीमारों को चंगा करता फिरा दुष्टात्मक ग्रसित लोगों को ठीक करता रहा फिरा

आत्मा द्वारा ती कलवरी अनंत अनंत आत्मा के द्वारा अनंत आन, तन आत्मा द्वारा त्या कलवरी कुसवे त्या बलिदान देना इब्रानी पुस्तक त्या सातवां अध्याय निकला मैंने अभी तक आपको एक भी बाइबल आयत नहीं खुलवाई आपको लग रहा होगा क्या बोल रहे हैं ये चलिए खोल लेते इसी आयत को खोल लेते तो आपको भी मालूम पड़ेगा अपन कहां पर हैं। खुली है वचन ने खुले हैं त्या लगे कहीं किसने बोले ओके नौ अध्याय इब्रानी के नौ अध्याय चौदह वचन तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा हाँ। परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया हाँ। तुम्हारे विवेक को मरे हुए मसीह का आत्मा वो सनातन आत्मा जिसके द्वारा उसने अपने आप को चढ़ाया कलवरी के क्रूज पर यीशु अकेला नहीं गया पवित्र आत्मा ने द्वारा परमेश्वर सामने चौड़ियों अन्य भाषा बोलने के लिए ही, ही नहीं है पवित्र आत्मा अन्य भाषा बोला पवित्र आत्मा नही है लेकिन दुख उठाने के लिए भी आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दुख उठावा हटी भी पवित्र आत्मा ने सामर्थ्य कर जन्म में यीशु और पवित्र आत्मा साथ है जन्म समय यीशु ने पवित्र आत्मा में यीशु और पवित्र आत्मा साथ समय है समय यीशु ने पवित्र आत्मा मैं इतनी बार बोलूंगा कि आपको मुंह जबानी याद हो जाए का तुम हल हो जाए और आपको इसलिए मैं बोलूंगा ताकि आपके जीवन में भी आपकी कहानी भी बदल जाए आपके इतिहास भी बदल जाए और आपके लिए भी यही कहा जाने पाए अना यह टीम बोली का तुम्हें जीवन में भी अनुभव रोय तुम्हे विश्व में भी जन्म पवित्र आत्मा साथ है जन्म समय ईश्वर ने पवित्र आत्मा में ये पवित्र आत्मा साथ ने पवित्र आत्मा जंगल की ट्रेनिंग में ये आत्मा साथ है जंगल में प्रशिक्षण में समय पवित्र आत्मा है पहले प्रचार में ईश्वर पवित्र आत्मा साथ है संदेश समय भी पवित्र आत्मा है भीड़ की सेवा में ईश्वर पवित्र आत्मा प्रेरित दस अड़तीस के आधार पर साथ है लोग कहा टोला ने अंदर भी प्रसिद्ध दहाने और तीस वचन आधार पर और दुख उठाने के समय भी यह ईश्वर पवित्र आत्मा साथ दुख उठाने समय में भी पवित्र आत्मा आ रही है लेकिन इन दोनों के संबंध को बनाए रखने वाले गोंद का नाम है प्रार्थना परंतु पवित्र आत्मा अने यीशु या बेनी आ विषय में तिहाल चिटकारे रखना रो डिंक है प्रार्थना इन दोनों को दूर करने के लिए या शैतान पे... शरीर और संसार लगा हुआ था ये बेनी गुठी हेले अलग को रहाटी सैतान ही ने संसार ने शरीर यो बनी गुठी लगली आती हो तीनों बातें प्रबल होना चाहती थी यीशु पर यीशु वे यो तीनी गुठियों हावी और आमक्ति आती हो ये तीनों बातें चाहती थी कि यीशु पवित्र आत्मा पर निर्भर होना छोड़कर अपनी ताकत का प्रयोग करे ताकि पिता की मनसा अधूरी रह जाए यीशु पवित्र आत्मा आधार सोड़ी दे इत्या इच्छा आती सेवा करना अच्छी बात है सेवा को इ, इ, हरी है प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात है प्रार्थना कोना हरी गुठे। लेकिन सवाल इस बात का है इन सब बातों में निर्भर आप किस पर है परंतु ये बेनी गुठी में तुम्हारा कौ आधारित महत्वपूर्ण तो है आपकी आपकी उत्तेजना क्या चीज आपको प्रदान करती है तुम्हें उत्साह तुम्हाल को ही गुठ दे आपका सेटिस्फेक्शन आपकी खुशी आपका रोमांच क्या है खुशी तुम्हें समाधान तुम्हें संतुष्टि को ही को <IGN> क्या आपकी संतुष्टि यह है कि मैंने सेवा किया या यह संतुष्टि है कि संतुष्टि है का सेवा को संतुष्टि है। यह संदेश सबको समझ में नहीं आएगा लेकिन जो अपने आप को प्रार्थना के लिए अलग कर कर आए हैं करने के लिए आए हैं उनको यह संदेश पवित्र आत्मा रात को देना चाहता है क्या लोखो जहाँ तहाते यहाँ का का पवित्र आत्मा ली आहाली ठिकाणी लीन्हा आणि त्या आधार तहा त्याज लोकाली बाप तुम जाई बाकी लोग नहीं हम जाई तो शैतान चाहता है एक बार झुक जा एक बार झुक जा शैतान आय चाहे का एक बार तू दंडवत को झुकी जो शरीर यीशु का शरीर उस पर प्रबल होना चाहता है कहता है खाले, रोटी खाले एक बार मना क्या यीशु को कभी शरीर में पाप का प्रलोभन हुआ कई यीशु कि को ये पापा हटी या शरीर में प्रलोभन क्यों अभिलाषा यानी नहीं आपको सोचने से खराब लगेगा लेकिन मुझे सच तो बोलना पड़ेगा तुम्हारा विचार को ना तो तुम्हारा अलग लगी पर तुम तो बोला पड़ी बाबी में लिखा है वो सब बातों में प्रलोभित हुआ फिर भी निष्पाप रहा ऐसा लिखा हुआ वचन के अंदर परीक्षा तो बाद गुठी में सफल जायो तो पवित्र बनी इसका मतलब आपको जो जो प्रलोभन परीक्षा परेशानी होती है वो सब यशु को भी हुआ लेकिन वो पाप में नहीं गिरा वो निष्पाप रह कर परमेश्वर का निर्दोष मेमना बन गया मेरे और आपकी जी तुम्हे मा जीवन में अनेक प्रकार जो पाप ने प्रलोभन परीक्षा ये यो तो, तो प्रभु टाइमा भी इन गुठी माने तो सफल हो एक उत्तम पवित्र बनी तो शैतान भी ये प्रभाव तोड़ना चाहता है शैतान भी प्रभाव शरीर भी ये निर्भरता तोड़ना चाहती है शरीर भी तोड़ा है। और संसार और उसकी बातें भी यशु को पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना नहीं देना नहीं चाहती है पवित्र आत्मा आधारित ये शुल भी संसार नहीं रहना मगा तो कितने लोग मेरे साथ हैं आज रात को जोर से हाथ दिखाइए बोली हा ले लो या जोर से बोले हा ललूया इस पर हावी होने के लिए यीशु ने प्रार्थना की। ये, ये गोष्टी वे प्रबल और हटी यीशु मसीह प्रार्थना कोई पहाड़ पर हम आए हैं इन्हीं बातों पर हावी होने के के लिए लिए हम प्रार्थना करने के लिए ये है। जो ही। लेकिन आपको इसके बाद एक और बात है मुझे याद दिलाना ये दो बातें बोलना बहुत जरूरी है ताकि प्रार्थना के अंदर पवित्र आत्मा की आग लग जाएगी बेन गुठी मान तुम्हारा गरज है जा द्वारा पवित्र आत्मा ने आगे ठिकाने लागे तो अब यीशु मसीह के लिए लिखा है मरकुस एक पैतीस के अंदर बड़ी भोर को अखेल जंगल में यीशु प्रार्थना करने गए मरकुस एक ने में निकला है खूब कवाया उठी डोगाला में जी ठिकानी बिल्कुल आते थे ती ठिक तो प्रार्थना साथ बोले बड़ी भोर को अखेल जंगल में यीशु प्रार्थना करने गया अगर आप मेरे से पूछेंगे मुझ मुझे अकेले प्रार्थना करना बहुत मुश्किल होता है अगर तुम्हारा मन है कि आई मन होदहा में प्रार्थना कुल्हाटी लेकिन आप जैसे कुछ लोग मिल जाए प्रार्थना करने के लिए तो रा, रात कट जाएगी मालूम भी नहीं पड़ेगा तो में सर का लोग प्रार्थना मान मिल जाए तो रात भी निकल जाए लीड करते इसलिए नहीं लेकिन प्रार्थना करने वालों के साथ बैठने में भी एक अभिषेक है इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते खाली अगुवाई को जैटी नहीं परंतु प्रार्थना कुनरहारी एक विशेष अभिषेक प्रभुल धन्यवाद लेकिन ये का जीवन अलग ही जीवन है परंतु ये ने जीवन एक वेगा जीवन था और इसलिए हमको ये से सीखना है तिहाटी हमारे ये ने सीखना है जोर से बोलो ये से सीखना है यीशु ही नहीं एक बार और बोलो यीशु से सीखना है यीशु से सीखना एक बार और जोर से बोलिए तो अकेले जंगल में प्रार्थना कर रहा है तो तो योखला में जंगल में जाने प्रार्थना को है मैंने आपको बोला लुका तीन इक्कीस के अंदर की बपतिस्मे के बाद यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा कबूतर के समान उतरा आ... तीन आने एक विश्व वचन में निकला है ताकि बपतिस्म पासे यीशु मसीह पवित्र आत्मा कबूतर ने समान होते हैं वहाँ पर वो क्या कर रहा था ये ठीक है ना तो कहीं कोतवा तो गिटार नहीं बजा रहा था तो गिटार ने वाजे प्रचार नहीं कर रहा था संदेश ने दिलवा तो खाना नहीं बना रहा था तो खाईना भी नहीं रहा है क्या निकला है और जब वह प्रार्थना कर रहा था स्वर्ग खुल गया और उसके ऊपर पवित्र आत्मा कबूतर के समान उतर गया जब तो प्रार्थना कोता तो त्या समय आकाश उगड़ी गयो पवित्र आत्मा कबूतर ना सामान्या प्रार्थना के दौरान

साथ बोली प्रचार करना बहुत आसान है ऐसा धीरे धीरे नहीं बोलिए वैसे भी जोर से बोली प्रचार करना आसान है जीना बहुत कठिन है थोड़ा लंबा बोलो बहुत कठिन है बहुत कठिन है इसलिए यीशु ने बोली यीशु ने जीने के लिए बुलाया है ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए तो लुक अच्छे में लिखा प्रार्थना कर रहा है यीशु रात इसलिए प्रार्थना नहीं कर रहा है वो होटल में, खोली ने में ही, त्याटी ने प्रार्थना है लेकिन आगे लिखा है आग उसको अपने शिष्यों को चुनना था इसलिए उसने रात भर प्रार्थना किया शिष्य रात प्रार्थना कोई बड़े निर्णय को लेने से पहले यीशु रात भर प्रार्थना कर रहा है निर्णय ले यीशु कोई रात प्रार्थना को है हम तो किसी को देखते और हमारा हाथ पर ढीला हो जाता है और उसके साथ मोटरसाइकिल में निकल जाते हैं हम लोग हम तो जाता हैं, मोटर थोड़ा है मोटरसाइकिल नोट का बंडल देखते और हमें हो, 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 हो है थोड़ा सा पोसा वोसा नोट देख लीजिए यशु रात भर प्रार्थना किया ताकि बारह की टीम को चुन सके आखी रात प्रार्थना कोई जेती कोई बारह व्यक्ति हाल तो पसंद कोई से कहीं उसमें से भी एक छोटा से निकल गया भी योग तो खराब नहीं गयो रात भर प्रार्थना किया आखिर रात प्रार्थना कोई बड़े निर्णय के लिए मोटा फैसला निर्णय है बड़े काम के लिए लंबी प्रार्थना की जरूरत है मोटा कमाटी लंबी प्रार्थना गरज है ये किसी के लिए व्यक्तिगत भविष्यवाणी प्रभु ने दे दिया बड़े काम के लिए लंबी प्रार्थना की जरूरत है मोटा कमाटी लंबी प्रार्थना गरज है हाटी भविष्यवाणी है प्रार्थना का भी एक डायरेक्शन है प्रार्थना में भी मार्गदर्शन रोहित प्रार्थना केवल जनरेटर के समान नहीं है प्रार्थना खाली तो जनरेटर का समान है सिर्फ जनरेटर चलता रहेगा तो किसी को फायदा नहीं खाली जनरेटर सलिया कोई निस्तो है घर कोई तो फायदो नहीं उसमें अगर तार लगेगा तब जनरेटर नीचे होगा तो भी बिजली पहाड़ के ऊपर आ जाएगी जब तारो तो जनरेटर भी नीचे तेरी डोगा लावे आप, आप जंगल में प्रार्थना कर रहे होंगे कुर्सी दिल्ली में हिलना शुरू हो जाएगी तुम्हारी प्रार्थना में सामर्थ है शाम प्रार्थना को हाने कुर्सी दिल्ली में जाए समझ में आ रहा है तो अन्य भाषा बजाकर अन्य भाषा बोलकर ताली बजा कर जोरदार प्रभु को धन्यवाद प्रभु धन्यवाद रुकना मत रुकना मत रुकना रुक मत रुकना मत शबा रबा से के थे, रा से थे रखेथे शबा न से जखी था तीरा बाशा रा, रिगंदना तालियों पर करना थे आगे पीछे सब लोग ताली बजा करने ने भाषा बोली है था कि रियादर रबा बामाशीदा रियादों लेश्वी रवानी आने

आपके विचारों पर यीशु का सामर्थ्य आने दीजिए विचारों आप यीशु सामर्थ्य दो। आपके सपनों पर यीशु का सामर्थ्य आने दीजिए सपनों में यीशु का सामर्थ्य दो। हरा दिया राजा बाला ला बारी अंदर द द मा सुखानी अंदर र बार द मला ला मार द मला ला मार द बाला ला अंदर द बाला ला बा द बाला ला द बाला

पतरस योहन याकूबा लीन तो डोगा लाने की जाए बारह शिष्य थे बारह शिष्य था लेकिन तीन उसके करीब थे परंतु तो तीन त्याग बिल्कुल पाया कुछ बड़ा करना है तो वो तीन को लेकर जाता था कई मोटा कोना है तो तीन चाह जाए भीड़ आपके साथ हमेशा रहेगी पब्लिक ने टोड़ो हमेशा तुम्हारे रोहे लेकिन खुदा खरे आपके साथ प्रार्थना करने वाले कुछ लोग आपके लिए और जब वो आपको यशु उनको लेकर चला गया और उनके सामने ऐसा लिखा है वो रूपांतरित हो गया उसका पूरा चेहरा पूरा शरीर तेजो में हो गया अंत्य प्रार्थना ये अलग जो में निकला है का ये रूपांतर जाया

इब्राहक के यीशु ने पवित्र आत्मा विषय में आम है लेकिन अब मैं आपको प्रार्थना और यीशु को साथ साथ लेकर जा रहा हूँ ये आर्या और को यशु प्रार्थना कर रहा है को आए उठी ने यशु प्रार्थना को मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ समय प्रार्थना को है तो प्रार्थना को है अखेले प्रार्थना कर रहा है रात भर प्रार्थना कर रहा है आखिर रात प्रार्थना को है मित्रों के साथ प्रार्थना मित्र हरी प्रार्थना को है

पसीना नहीं खून टपक रहा था गोदारो नहीं परंतु त्या पड़ता था अकेले बगीचे के अंदर मेरे और आपके पापों का बोझ बोझ उठाकर वो वो अकेले रो रहा था वो शरीर बना कर रहा था आत्मा प्रबल हो रहा था वो कह रहा था मुझसे नहीं होगा मुझसे नहीं होगा मुझसे नहीं होगा लेकिन मैं सोचता हूँ पवित्र आत्मा वहां पर खड़ा था तुझे इसी काम के लिए भेजा है तुझे करना होगा

यशु के अंतिम सप्ताह का एक नया दर्शन प्रकाशन दिनों में हमको मिलना शुरू हो जाए देव याद में में यीशु अंतिम उठो जीत जाए, जाए मुझे बोलने में कोई अच्छा नहीं लग रहा है बोला मन का एक हारा नहीं लग रहा है मुझे बोलने में भी संकोच हो रहा है मन बोलना में भी कहीं संकोच सबाट ही है लेकिन अगर पुनरुत्थान होना है तो क्रूसीकरण होना बहुत जरूरी है परंतु मौला माने जीवता उठना है तो कृषा मौना गरज है मरे वो में से जीव उठना है तो मौत को गले लगाना जरूरी है मृत्यु का माने जीवता उठना और तो मृत्यु तो गले लगवा पड़ी पत्थर मार कर प्रभु के दास को मार रहे हैं जिंदा डोगड़ा डोगो है अफिरत्याल जीव तो समय आंख भी बंद ना करने वाला क्या समर डोड़ा भी बंद ने को नो व्यक्ति कठोर दिल का आदमी कठोर हृदय माहू शाउल शाउल सताने के लिए जा रहा है मंडी ले सतावा टीचर हाथ में एफ की कॉपी है आने जी क्या हथाम कागदा आता ती मानो का तेरी अरेस्ट को ना है उसके साथ कागदा के तो साथ पुलिस बल है उसके साथ पुलिस बल है पुलिस नो जा दल आता तो, तो त्या आज तो। की भाषा में, में बोल रहा हूँ जी घड़ी नोलू तो लाल बत्ती में जा रहा है तो लाल दीवा गाड़ी में जानू का बड़ी मंडली को बंद करवाने जा, तो जा रहा है खूब मोटी मंडली तो बंद करना जा रहा है बंद करने तो जा रहा है सेवक तो अरेस्ट करना जा रहा आकी बद्ध हो जा है आपकी योजना बद हाईवे के बीच में आने मेन रास्ता विस्म उसकी बॉलेर बंद हो जाती है गाड़ी बंद हो जाए कुछ भी करने से चालू नहीं चालू भी, चाल, भी कोई पर गाड़ी का चालू नहीं जो है हाथ में एफ आई आर है पत्र है पुलिस वाले है सेना पुलिस है लेकिन ड्राइवर कुछ भी करने से बोले रो चालू नहीं होता परंतु ड्राइवर पर का चालू नहीं है इन दिनों में ये होने जा रहा है यशु से आंखों देखा हाल यशु के नाम से बोल रहा हूँ

उसके कान में आवाज आती है काना में आवाज़ है गाड़ी से उतरो गाड़ी होता गाड़ी से उतरता है गाड़ी मैं गिर जाता है टूटी पड़े है और आवाज आती है आवाज है तू मुझे क्यों सता रहा है तू मान कहा सतावीर लोहे तुरंत आधे सेकंड में बोलते है प्रभु तू कौन है

पादरी का घर ताला था देवादास तो गो टाण ला ना था क्योंकि वो कहा का केस तेरी भेटेल उसने होटल ले लिया। आने कदास रात को आया देवादासनो प्रभु वो भी दुआ करने वाला प्रभु का दास था तो प्रार्थना प्रभु के दास को पवित्र आत्मा ने बोला उस होटल में वही वाला जो है ना वही वाला एफ आई वाला वो वहां बैठा हुआ है

पवित्र आत्मा से लड़ता रहा अनन्यास तीन रात दी पवित्र तुम्हारी मानो लड़ते रहो मेरे से नहीं होगा ये तो माथी ने बोले मेरे से नहीं होगा माथी ने बोले मेरे से नहीं होगा नहीं होगा बस आई प्रार्थना कोई बात मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और माँ दुआ करूंगा डोगला डोगा कोई है लेकिन महल में जाऊंगा मैं नहीं जाऊंगा महल में नहीं जाऊ पार्लियामेंट में मैं नहीं जाऊँगा संसद भवन में नहीं जाऊ मैं उनके घर पर मैं नहीं जाऊंगा क्या गोभी नहीं जाऊंगा ने बोला दुआ करता है तो दुआ का प्रतिफल भी तेरे को ही मिलेगा को तो तो नो बदलो भी तुलुज मिले। किसी को मत बोलना एक खास बातल का जवाब क्या प्रार्थना उत्तर परमेश्वर उसी के द्वारा पूरा करवाता द्वारा को है। कुछ लोगों को समझ में आ गया कह कल हो जाए बाकी को कल आएगा बखल हाकाळी अगर आप बोल रहे प्रभु बहनों हमारे देश की बहनें भूखी नहीं सोने पाए जर बोई हो क्या की प्रार्थना करती प्रभु आमे देश माने बोई हो जो महिला है तो क्यों नहीं हुए और जब आप ऐसे दुआ करते दूसरी बहनें ऐसे कर रही है क्या टाइमल बाकी भाइयों एक एक हो तो परमेश्वर किसको इस्तेमाल करेगा पासे देव काल सेवा में उपयोगी कोई हुई जाते ओके हाँ। okay. इसलिए मैंने कहा जो प्रार्थना करता है उसी को परमेश्वर प्रार्थना का जरिया बनाता है जी व्यक्ति प्रार्थना को ते देव माध्यम रहे लेकिन हम वो जरिया बनना नहीं चाहते हम माध्यम ने बुन मगज लेकिन अनन्यास को बोला तीन दिन का तेरा उपवास प्रार्थना कैंसिल बंद कर अभी सीधी नामक गली में जा उस होटल में फर्स्ट फ्लोर पर कमरा नंबर 101 में वो बैठा है उससे जाके बात कर देखो सोच के देखो सच सच में में होने जा रहा है में आकी थी दे रूम में तू जो ठीक को क्या करे पवित्र आत्मा का मानना तो पड़ेगा पवित्र आत्मा तो मना पड़ी नहीं तो वो मारेगा तो और ज्यादा लगेगी <laughs> अन तो ठोकी तो बस आज ज्यादा लगेगी तो चला गया कमरे पे खटखटाया दरवाजा खुकड़ा उसका दिल दरवाजे से ज्यादा खटखटा रहा है त्या हृदय में दरवाजा को तो उधारी आवाज जी अभी तो। तलवार निकलेगा तलवार काढ़ी अभी हथकड़ी निकलेगी आ, अमी जे हथकड़ी कड़ी काढ़ी अभी मारपीट होगी अमी मार झोड़ो हुई दरवाजा खटखटाता कट है आने बाना है दरवाजा खोलते है दरवाजा उड़ है और आदमी बोलता है तीन दिन लेट क्यों आए कब से मैं वेट कर रहा हूँ आओ मेरे लिए प्रार्थना करो तो आखे तीन दी दिन को तुम्बा मोड़ा को या ये महारी मी प्रार्थना को अनन्या प्रार्थना करता है अनन्या प्रार्थना को है इसकी आंखों से ऐसे लिखा छिलका गिर जाता आ, हींगे हींगे है क्या डोड़ा माने मानो अपने का हिंगे टोरपुला रोहे ने हिंगे का करते हैं सल्टा सर का निंगोया गिर गया पोड़ी गोया ये शु को देखता है अंत बस ये शु ले है बोलता है मुझे बपतिस्मा लेना है मन लेना है देता है।, देता है और शुरू में यीशु उसको कहता है।, आखे है तुझे राजाओं को सुसमाचार सुनाना है तुले राजा सुसमाचार प्रचार है। लेकिन दुख उठाने का भी वरदान तुझे परंतु दुख ना भी वरदान तुल देवा इसको तो कुछ मालूम नहीं एल के जी में बैठा है अभी बस अम्मी तो बिल्कुल शाला में बालवाड़ी में मानुकाई तो गई हो कुछ नहीं मालूम अभी से उतरा ही है ये अम्मी गाड़ी माने नहीं उतर हुई तो तीन दिन तक ऐसे बैठा था तीन दिन डोड़ा बोलता दो था अभी डोड़ा तो। उसका खुल गया है हमी त्या खुलिया अभी बोल रहा है दुख उठाना पड़ेगा हमें दुख उठाना पड़ी गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा दुख उठाना पड़ेगा हाँ डायरेक्ट सुवर्ण पदक नहीं मिली बोला दुख उठाना पड़ी कभी कभी अपन पूछते हैं मुझे क्या मिलेगा तो मुझे क्या मिलेगा आई प्रार्थना को इतमान का मिली इनको मिली मैं सेवा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा आई सेवा को ही इतमान का मिली मैं इस मीटिंग के लिए एक हजार एक रुपया दूंगा तो मेरा नाम स्टेज पे से लेंगे क्या एक हजार ने एक रुपया दी ये मीटिंग क्या मिलेगा मान कही मिली यशु से अगर आप बात करोगे करोगेगा तो तो तुम्हारे तुम्हें क्रूस मिलेगा, क्रूस मिली? दुख मिलेगा तुम्हाल दुख मिली, तुम्हाल दुख मिली? लेकिन इस पृथ्वी पर दुख है उस पृथ्वी पर आनंद है ये दुख है पर ठिकानी सुख है ताली बजा के जोरदार प्रभु पत्रस का जीवन बदल गया पत्रस का जीवन बदल गया। चर्च में जाके बैठा हटे सिंह जी चर्च में जाके बैठा सॉरी सॉरी शाऊल चर्च में जाके बैठा शाऊल ले चर्च में जाने बैठो। कितना खुशी हुआ होगा चर्च में उस दिन सोचो याद याद ही कोला लोग खुश हो गया रीत्याल चर्च खाली हो गया कोई नहीं था, था। <laughs> हां पादरी भी खड़ा खडा घुटना बजरा उसका धीरे-धीरे हां सेवो का भी है विश्वास ये सुधर गया है के के गया। आपको भी विश्वास नहीं हो रहा ये सुधर गया लेकिन सुधरने जा रहा है प्रभु के काम आने जा रहा है तुम हाल भी विश्वास नहीं कह के, के हुदरी पर तो देवा कम है चर्च उसको समझ नहीं पाया मनली लोक तह हमजी न सकेया सच कह रहा हूँ चर्च उसको समझ नहीं पाए हतुला खुद बाल मनली लोक तह हमजी न सकेया बाइबल में कहता है मैं प्रभु के दासों से प्राचीनों से मिलने में यरुशलेम गया ऐसा लिखा है निकला है ताका मनली न जा पूर्णिया वडीलाता तहल में हटी तो यरुशलेम गयो उसने सोचा पतरस � ट है यहाँ पर भी भेद लेने आया है कुछ कैमरा लेकर आया हो गुप्त तो सोशल मीडिया में डालेगा ये पास ने वाट्स मीटिंग में नहीं बैठाया भी नहीं बहाड़ी उसका दिल टूट गया क्या हृदय टूटी गयो ऐसा लिखा है वो सीधा अरेबिया के जंगल में दो साल तक चला गया नंतर तो अरेबियान जंगल न अंदर तो बिन वर्षा जो गलती के पत्र पहले अध्याय में लिखा है मैं अकेला जंगल में चला गया गलती का पत्र में निकला है ताकि यकलो जंगल में जाते रहे बोला प्रभु मैं चालीस साल जो सीखा उसको डिलीट मार के जो गलत जो गलत है बोला उसी को कैसे मैं बोलूंगा आप मुझे समझाओ चालीस वर्षों दी जी मैं ही क्या

જે કે ઇતિહાસ સ્વામી યેશુ 40 દિવસ દીવ દીતા જંગલ મે યોકલાતો તે પ્રમાણે અમે પાઉલસ બી બેન વર્ષ પરેંત જંગલ મે યોકરાયો લેકિન દો સાલ કે અંદર ઉસકે એકાંત વાસ કે અંદર ઉસકો યેશુ ને કલસીયા કી નીવ ડાલને કા અભિષેક દે દિયા ઉસમે મંડળી હે પાયો તાકrna ગોઠ્યો પવિત્ર આત્મા યેશુ ઇ ત્યા બેન વર્ષા મે દેખાડ્યો હીકાડ્યો વો ટોપ સ્કોલર થા ટોપ સ્કોલર થા તો એક મોટો તત્વ જ્ઞાની આતો ઉચો આતો પીએચડી પાસ થી અને તો માનો એક विशेष जो तो जो पी पीएचडी डी आते क्योंकि उस समय पर गमालियल का शिष्य होना मतलब अमेरिका में जाकर सरकारी पैसे में पढ़कर आने के बराबर था गमालियल का शिष्य होना क्या <laughs> टाइमल गल नंद शिष्य बनना यह अर्थ है कि का अमेरिका में जाए ना गवर्नमेंट का पैसा खर्च कोई तुम्हारी डिग्री लेना सामान है ना तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए उल्ला क्या दिमाग चलना चाहिए तब तुम गमालियल का शिष्य बन सकते तो वे तुम्हारा गमालियल शिष्य हो सकता लेकिन वही गमालियल का शिष्य अभी फाइल डिलीट कर रहा है प्रार्थना कर रहा है रो रहा है नहीं होगा नहीं होगा यीशु बोल रहा है होगा होगा अभी तक यहूदियों की कलिसिया है लेकिन यीशु प्रकाशन दे रहा है गैर यहूदियों में तुझे जाना पड़ेगा नए जगह पर तुझे सेवा करने जाना पड़ेगा नए लोगों में तुझे सेवा करने जाना पड़ेगा हम जो व्यक्ति चालीस वर्ष प्रति जो गुठियो हिख्यो तो मनो तो डिलीट करो हो तो अने ये शशु क्रिस्तो त्यालो है तो ये नोवी गुठी होती होते कहीं 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 त्याल न्यो पर तू त्याल देवा गुठियो हिखाड़ो इसके पास पैसे की कमी नहीं है क्या वो कहीं ध्वना कमी नहीं ये धनी परिवार से है वो खूब मातला परिवार तो। गरीबी इसने देखा नहीं है गरीबी त्याग मालूम नहीं है। गरीबों के साथ घूमता भी नहीं था तो गरीब तो फिर तो भी नहीं तो अमीर आदमी एक दो मात लो लेकिन जंगल में ये शु की आत्मा ने उसके संसार की बातों को उतार कर आत्मा का वस्त्र उसे पहना दिया ये त्या जंगला में ली जाए संसार रूप नदली आत्मा ने वस्त्र देने इसलिए तो मरते मरते कह सकता है जो बातें मेरे लिए बड़ी थी अच्छी थी महंगी थी उसको मैंने कूड़ा समझ लिया है क्योंकि मैंने ये शु कोता धन आता मई कचरो दिन अचानक उसके पास फोन आता है क्या ही अचानक फोन ही है जंगल से निकल कर अभी वो एक शहर में आया एक आता है।, होत थो थो एक ही है उसका नाम है बर्नबाज ना बता बर्नबास। बर्नबास है बोलता है शाउल बर्नबाजी रखे शाउल दो तीन साल पहले तेरे साथ को छुआ मैंने सुना बैन तीन वर्ष पूर्वी तुम तो कहते मन मालूम है मेरे साथ चलो तू है मारी मेरे साथ चल मारी चल बर्नबास कौन है इसको नहीं मालूम बर्नबास को है यार मालूम नहीं लेकिन बर्नबास को जोश को देख कर ये बोला चलो मैं भी चलता पर तू बर्नबासा उत्साह के चल ठीक आई मित्र तो हूँ आपको सेवकाई में खड़ा करने के लिए कुछ लोगों के लिए पवित्र आत्मा बर्नबास बनकर आपके पास आ रहा है आपके हाथ को पकड़ कर एक नई सेवकाई के लिए प्रभु आपको तैयार कर रहा है तुम्हार सेवा में उबो हटी बर्नबास न समान का दोनों जन जहाज में बैठ के अब जा रहे हैं बेनी जामी जहाज में उड़िया में भूजर है